डेविडिक भाई का एक क्वेश्चन है कि इंसाफ ट्रैक ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है या ऐसी एक फिक्शनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया गया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये रियल स्टोरी तो नहीं है गाइस, ये मतलब जो रियलिटी होती है, रेप कैसे होता है और फिर उसके बाद क्या क्या इश्यूज विक्टिम फेस करती है, उन हालातों पे लिखा गया है। और मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ पे लिखना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ बहुत आम हो गई है, इसे रोकना चाहिए। एंड इट्स नॉट गुड, कल को अपनी भी यार बहन बेटी रास्ते पे जाएगी आएगी। सो यू नो हमें, हम सबको मिलके इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे एक अकेले के इससे तो नहीं होगा कुछ आवाज़ उठाने से, बट होप सो इन फ्यूचर अगर हर लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे कि जो विक्टिम है उनको अगर जस्टिस मिला, क्योंकि लॉ इसमें स्ट्रांग होना चाहिए अपने यहाँ का। बैंडो वसा स्ट्रेट फ्रॉम बैंडो, मतलब ये है गाइस के मैं सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट आप मैं सीधा बैंडो से, मतलब मरोल, स्ट्रेट फ्रॉम मरोल। बैंडो मीन्स एक ऐसी प्लेस जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती है। इलीगल एक्टिविटीज सच एज यू नो ड्रग ट्रैफिकिंग और रॉबरी, थीफ, जहाँ पे बसते हैं, एक ट्रैप हाउस। सो आई एम स्ट्रेट फ्रॉम बैंडो, मतलब मैं स्ट्रेट फ्रॉम बैंडो से हूँ ब्रो, मतलब मैं इसी बस्ती से हूँ जहाँ पे मतलब ये सब शिट यू नो क्रेजी शिट एकदम आम है, और किसको बख्शीश नहीं है ब्रो। हाँ मरूल गाओ बेबी, मैं बोला ना मेरे को जिससे फील आता है ना ये जो रियल है, मैं उन लोगों के साथ ही काम है, मेरा एक ही सीन है। हिप हॉप भाई कोई भी कर सकता है, सुन सकता है और फील ले सकता है, चाहे वो थग हो या फिर शरीफ इंसान हो। 301 जब मैं छोटा था स्कूल टाइम में, तब से ये 301 चल रहा है और अभी तक चल रहा है और चलते रहेगा। आई विल रन दिस शिट 301 वर्ल्ड वाइड गाइस, एक दिन 301 वर्ल्ड वाइड होएगा। वर्ल्ड वाइड 301 इज एग्जैक्टली एक कम्युनिटी है, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके मेंबर अंधेरी ईस्ट साइड में है, मरोल में स्पेशली 301 के मेंबर्स है काफ़ी, पवई में है 301 मेंबर्स काफ़ी, और फिल्टर पाड़ा लोकेशन में 301 के मेंबर्स है, और तुंगा गांव में 301 के मेंबर्स है। सो 301 काफ़ी वाइड ग्रुप है ब्रो, एनी टाइम आ जाते, किसको नहीं बख्शी, सबको खा जाते। समझ रहे ना, तो 301 नहीं ब्रो सिर्फ गैंगस्टर शिट में नहीं है, 301 बहुत अपग्रेडेड कम्युनिटी है, 301 टेक्नोलॉजीज ब्रो अपग्रेड हो चुका है, चीज़ें अभी पहले के जैसी नहीं है, चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, काफ़ी सारी थिंग्स हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं, 301 अपग्रेड हो चुका है, 301 टेक्नोलॉजीज है, 301 रिपेयरिंग्स है, 301 फ्लेयर जोन है, 301 रैकेट्स है। सो ब्रो समझ रहे 301 क्या लेवल पे चल रहा है। 301 का मतलब यही है कि पावर, यूनिटी एंड सपोर्ट, मतलब एकता, एकता ब्रो एकता, यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिटी और लॉयल्टी, अपने इसमें ब्रो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, चाहे वो धंधा हो या दोस्ती हो, हम लोग लॉयल्टी बहुत लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे इसमें तुम प्यार दो मत दो, पीठ पीछे बात करो मत करो, लेकिन हमारे सामने लॉयल रहो, लॉयल रहो, वरना हाँ फिर क्या है, फिर वनवास है ब्रो। वो वनवास वाला सीन बहुत डेंजर है। हाँ वनवास वाला सीन बहुत डेंजर है। दैट्स इट, 301 एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत वास्ट कम्युनिटी है, जो धीरे धीरे अभी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, देन एकदम बढ़ जाएगी, वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। तो भाई ब्लड और क्रिप इधर नहीं चलता है इंडिया में, स्पेशली बम्बई में तो नहीं चल रहा है, बहुत मारे गए, मरोल में तो कभी करना नहीं ब्लड क्रिप बाय, हाँ बहुत मारते होश में। तो इधर नहीं चलता है ब्रो वो सब, इधर खाली चलता है तो भाई पैसा, जिसके पास पैसा है वो गैंगस्टर है आज की तारीख में, वरना कोई शॉट नहीं है। सो ये सब जो पब्लिक कर रही है, बंडा दिखा रही है, ये
गैंग साइन गैंग साइन कर दिए, मेरे को भी आते ब्रो क्रिप साइड पता है, ब्लड ये सब नहीं चलता है, अपने इधर नहीं चलता है, अपने इधर खाली पैसा चलता है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है भाई आज की तारीख में। तो दैट्स इट, स्ट्रेट अप ब्रो, स्ट्रेट सीधी चीज है ब्रो, तेरे पास पैसा कल को आएगा तो तू भी भाई बन सकता है ब्रो। पैसा आदमी को अच्छा इंसान भी बना सकता है, बुरा इंसान भी बना सकता है, तो इट्स अप टू यू। दैट्स इट, क्लियर है। ब्लड क्रीप इधर नहीं चलता, ब्लड क्रीप वो जिधर चलता उधर चलता रहेगा, अबे इधर मत दिखा हम लोग को, ब्लड क्रीप क्रीप नहीं चलता इधर, इधर ना भाई खाली ये चलता। ये साइन बहुत बिल्ली है, वो डेंजर साइन है, इसके बारे में ना एक दिन पोस्ट बनाना कभी, मतलब सोचना ये क्या साइन है मैं जो देता हूँ हमेशा मेरे गानों में। एम 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 एम, मैं सिर्फ एम से मरोल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो लोग ये कंपनी के मेंबर है उन लोग समझ गए रहेंगे। तो अपन रियल गैंगस्टर शिट रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो चल रहा है वो रिप्रेजेंट करो ना भाई, जो इंडिया में चल रहा है वो रिप्रेजेंट करो, जो बंबई में चल रहा है वो रिप्रेजेंट करो। स्ट्रेट अप ब्रो, ऑन गॉड एवरीथिंग, स्ट्रेट 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 बी स्ट्रेट, काय के लिए फेक फेक क्यू फेक ब्लड वॉक क्रिप वॉक, क्या क्या सीन है, जबरदस्ती के खाली दुनिया को अंधा कर रहे हैं। यंग जनरेशन जो आ रही है उन लोग को सब तुम लोग फेक 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 शीट बता रहे काय के लिए, जबकि इधर ब्लड क्रिप कौन सा तुम लोग को आके कम्युनिटी ब्लड की आके पैसे दे रही है बे, कौन सा क्रिप कम्युनिटी आके पैसे दे रही है बे। ब्लड क्रिप गैंग करने से कुछ नहीं होता, वो लोग जो बाहर कर रहे ना भाई उन लोग के पीछे पूरी कम्युनिटी लगी है, अबे उन लोग के लिए वो धर्म जैसा है। अली बंडाना लगाने से साइन देने से सब करने से ब्लड क्रिप नहीं होता बे, समझा। उन लोग उधर पे पूजा करते जो मर जाते ना उन लोग के, वो लीडर गैंग मेंबर के गैंग लीडर जो मर जाते उन लोग की पूजा करते उन लोग, तुम लोग को मालूम तभी है क्या। आज से 3 साल पहले ब्रो मैं क्रिप ज्वाइन किया था, क्रिप इन सर्च एक पेज है फेसबुक पे, मैंने वो ज्वाइन किया था, मेरी पोस्ट है फेसबुक पे जहाँ पे मेरे को क्रिप के मेंबर्स लोग ब्रो मेरे पे कमेंट करे, और मेरी अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखोगे तो वो पेज ने क्रिप रिवॉल्ट इन सर्च प्रोग्रेस करके कुछ ग्रुप है, तो उसने मेरी पोस्ट भी रिपोस्ट किया है उसके पेज पे, कॉम्प्टन का पेज है वो, कॉम्प्टन वाला पेज है। तो आई डोंट नो, मैं पहले स्नूप डॉग वगैरह सुनता था, उस वक्त मैंने ये क्रिप पेज ऐसे ही चलते में चलते में चढ़ गया मैं चलती हूँ और ज्वाइन कर लिया था। वो तो ब्रो वो लोग खाली इंटरनेशनल ही रखते चीज़ है, वो लोग अपने लिए नहीं आते इधर पे, तो समझे जो इधर पे है वो रिप्रेजेंट करो ना। तुम लोग की गांड फटती, सॉरी तुम लोग की, तुम लोग को डर लगता है अरे मतलब इधर की चीज़ें रिप्रेजेंट करने है, करो ना इधर की चीज़ क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते तुम लोग। हाँ नेपाल भी भारी भारी भाई लोग की कंपनी है, वो रिप्रेजेंट करो, है तुम्हारे अंदर गंस छूतिया बना रहे खाली पब्लिक को, बहुत मारूंगा इधर भी अगर ये ब्लड क्रीप दिखा ना मेरे इधर, बहुत मारूंगा। भाई का क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, मैं मेरे ऑप्स लोग को क्या जवाब देना चाहता हूँ, एक मिनट ना ऑप्स, एक मिनट मेरा रिएक्शन देखो तुम लोग, ऑप्स ऑप्स इधर है, ऑप्स इधर है, ऑप्स किधर है ब्रो, दिख रहे नहीं मेरे को, अरे मेरे जूते के नीचे है ब्रो। ऑप्स लोग को एक ही बोलूंगा फक एम, फक एम एंड तक यही बोलूंगा ब्रो, एक बार जो अपने दिल से निकल जाता ब्रो तो उसमें कोई शक नहीं है, फिर वनवास ना बोला था ना हम लोग इसको, एक बार किसको वनवास दे देते तो वनवास दे देते, फिर वो जिंदगी भर के लिए ऑप्स रहेगा ब्रो। या स्ट्रेट अप ब्रो, अपनी सब चीज सीधी स्ट्रेट है मुंह पे,